भैया टिकट उस लड़की ने निकाली है। कुमार सर उस लड़की के पास दो टिकट है। हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। टिकट 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 दिखाओ, टिकट लाओ, टिकट दिखाओ मैडम। टिकट दिखाओ तेरी, तुझे तो जेल दिखाऊंगी। अरे भाई उस लड़की ने तो एक ही टिकट दिखाई। हाँ ऐसा है क्या? रुक जा अभी देखता हूँ। तुम्हारी टिकट उसके पास नहीं है, नीचे आओ। हा? नीचे आओ सर, उस लड़की ने निकाली थी सर। अरे नहीं निकाली है, नीचे आओ सर। हाथ छोड़िए ना, उस लड़की ने निकाली थी सर। बता कौन सी लड़की, दिखा मुझे, बता इनमें से कौन सी है, बताना। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस वाली सर। क्यों मैडम, मैडम सुनिए सुनिए, यहाँ आपने इसकी भी टिकट निकाली है क्या? अरे वहाँ क्या देख रहा है, यहाँ देख। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं ये कौन है। किसी अजनबी की टिकट भला मैं क्यों निकालूं? टिकट नहीं ले रहा, ऊपर से लड़की को फंसा रहा है। टिकट नहीं खरीद सकता है तू? चारी लड़की को फालतू में फंसा रहा है तू। सर नहीं सर, तुझे फाइन देना होगा। चल उस जीप में बैठ, चल अब। परेशान हो रहा है, लड़की का पीछा करेगा, 2.5 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकता है तू। चुपचाप यहाँ से निकल जा, चल जा, जा निकलना। हाय पूजा, कैसे आना हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? एग्जाम में फेल होने वाली हो क्या? उसकी टेंशन कौन लेता है? एफ ब्लॉक का वो वासु है ना, अभी तक घर नहीं आया। बहुत रात हो गई है इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। एफ ब्लॉक का वासु, कहीं ये वही लंगूर तो नहीं? वासु भी मुंबई से आया है। ओ, तो वो भी यहीं पर रहता है। तुम वासु को जानती हो क्या? एफ ब्लॉक के वासु को? नहीं मैं कभी नहीं मिली। ए क्या बोल रही हो, रोज पास के बस स्टॉप से तुम दोनों एक ही बस पकड़ते हो। हाँ? हाँ, सांवला कलर, लंबा कद और हैंडसम दिखने वाला। वैसे ये तो बताओ कि वो घर नहीं आया तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? तुम जाकर शांति से सो जाओ, दूसरों की चिंता करके तुम्हें क्या मिलेगा, है ना? नहीं बीजी, उसकी शादी नहीं हुई है, बैचलर है। उसके मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते, वो अकेला यहाँ रहता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत आग लगी। क्या क्या क्या, क्या कहा? उसका नाम ही अजीब है, क्या बताया था तुमने? एफ ब्लॉक का वासु या फ्रॉड वासु। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि उस मवाली को किसी गाड़ी ने ठोक दिया और वो रोड पर पड़ा हो। पीछा छूटेगा मेरा कम से कम। अब चुप करो, तुम कभी उससे मिली नहीं हो और उसके बारे में इतना सब बोल रही हो। ही इज अ वेरी नाइस गाय। नहीं पूजा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बिना टिकट के शायद वो बस में चढ़ गया होगा, कंडक्टर ने पकड़ के पुलिस को दे दिया होगा, फिर उसे कोर्ट लेकर गए होंगे। अरे या फिर अच्छा नहीं सोच सकती क्या? वो बिना टिकट के बस में क्यों जाएगा? अगर गया भी तो पुलिस उसे क्यों ले जाएगी? क्यों नहीं पकड़ेगी उसे? हे भगवान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पुलिस ने नहीं पकड़ा होगा तो फिर क्या हुआ होगा?